हेलो एवरी वन आई एम मोनिका टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर टीन रूरल लाइवलीहुड दिस इज द पार्ट ऑफ ऑफ सिविकल स्टडीज दू था इंडियंस लाइव इन अबाउट लैख थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी सिक्स विलेजेस अब सेंसस होता है ये बात आपको मालूम होनी चाहिए अभी कब हुआ था ये हुआ था 2011 इलेवन में ठीक है टाइम हो गया है अब होगा 2021 ट्वेंटी वन में सेंसस मतलब जनगणना ठीक है जनगणना दो हजार ग्यारह में हुई थी ठीक है और अब कब होगी दो हजार इक्कीस में होगी तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 इलेवन जो इंडिया में पॉपुलेशन है ठीक है कितनी 68.84 परसेंट ठीक है टोटल कितना होता हंड्रेड परसेंट ठीक है हंड्रेड परसेंट में से सिक्सटी एट पॉइंट एट फोर परसेंट इंडियंस कहाँ रहते हैं सिक्स सिक्स थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी सिक्स विलेजेस में रहते हैं ठीक है यानी जो मेजर पोर्सन है लगभग लगभग सेवेंटी परसेंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वो कहाँ रहता है वो रहता है विलेज में दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज दैट हेल्प दैम to to earn their livelihood to meet the needs of families in terms of food shelter and other social requirement ab dekho ki जैसे जो रिक्वायरमेंट होती है जैसे फूड हो गया जैसे सेल्टर हो गया यानी कि घर चाहिए आपको खाने के लिए कुछ चाहिए ठीक है तो जो ये नीड है फैमिलीज की वो उसको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं लोग ठीक है तो जो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन द फर्स्ट वन इज प्राइमरी द सेकेंड वन इज सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज टर्सरी मतलब क्या है इसका कि जो ऑक्यूपेशन है मतलब ऑक्यूपेशन यानी कि जो काम करते हैं लोग वो थ्री टाइप्स के हो सकते हैं ठीक है उनको कैटेगराइज किया गया है थ्री टाइप्स में एक तो है प्राइमरी दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्सरी ठीक प्राइमरी ऑक्यूपेशन भी बोलते हैं इसको और प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं इसको ठीक है एनी ऑक्यूपेशन दैट इज बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्टिंग गुड्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज इज प्राइमरी ऑक्यूपेशन अब देखो क्या करना कि गुड्स को निकालना सामान को निकालना किससे नेचुरल रिसोर्सेज से ये किस में आता है ये आता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन में तो अब एक बात बताओ नेचुरल रिसोर्सेज से सामान को बनाना ठीक है तो इसमें क्या क्या आएगा इसमें आएगा एग्रीकल्चर ठीक है फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग ठीक है खेती एंड फिशिंग ठीक मछली पालन आर प्राइमरी ऑक्यूपेशन बिकॉज दे इन्वॉल्व एक्से एक्सट्रैक्टिंग वॉट एवर नेचर प्रोड्यूस इन विच एवर क्वान्टिटी अदर प्राइमरी ऑक्युपेशन आर माइनिंग एंड फॉरेस्ट्रिंग ठीक है क्या क्या हो सकता है जैसे फार्मिंग हो गया फिशिंग हो गया ये सब क्या है ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन है ठीक यानी नेचुरल रिसोर्सेस को यूज़ करके सामान को बनाना ठीक है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होता है एनी ऑक्यूपेशन इन विच गुड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्राइमरी ऑक्यूपेशन आर प्रेस टू मेक अनादर प्रोडक्ट इन अ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ से तो आपने कुछ सामान बना लिया लेकिन उसका यूज करके कुछ और बनाना वो क्या होता है वो होता है सेकेंडरी ऑक्युपेशन फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स प्रोड्यूस कॉटन विच इज़ प्राइमरी ऑक्युपेशन ठीक है मतलब जैसे जो कॉटन है जो रुई है वो प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर ठीक किसान तो वो क्या है प्राइमरी ऑक्युपेशन है लेकिन दिस कॉटन इज परचेज बाय द ओनर ऑफ द टेक्सटाइल माइल्स मिल्स हु यूज इट टू क्रिएट क्लोथ अब देखो आपको मालूम है कि जो क्लोथ होते हैं वो कॉटन के भी बनते हैं ठीक है तो इस कॉटन को खरीद लिया किसने मिल के जो ऑनर है मिल का जो ओनर है उसने ठीक तो ये किस में आ गया आप अब आ गया ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में दिस इज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन व्हेन फिश इज कॉट बाय फिशरमैन अब देखो फिश जो है वो फिशरमैन के द्वारा निकाली जाती है इट इज़ अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन ये है प्राइमरी ऑक्यूपेशन व्हेन द फिश इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल लेकिन आपको मालूम है कि जो फिश ऑयल आता है उसका प्रोडक्शन करने के लिए कहाँ पे जाएगी फिश मिल में जाएगी ठीक है ऑयल मिल में जाएगी ना तो ये क्या हो गया ये हो गया सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इट बिकम सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ठीक है ये क्या हो गया सेकेंडरी ऑक्यूपेशन ठीक है यानी इंडस्ट्रीज वगैरह ठीक ये क्या है ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है अब देखो टर्सरी ऑक्यूपेशन एनी ऑक्यूपेशन विच प्रोवाइड्स वन काइंड और वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज टू द पीपल इज नोन एज टर्सरी ऑक्यूपेशन टर्सरी ऑक्यूपेशन जो है उसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं मतलब जो लोग काम करते हैं जो लोग वन काइंड ऑफ वेरियस वन काइंड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज सर्विसेज इन सेंस कि जैसे आपका हो गया बैंकिंग जैसे हो गया टीचिंग जैसे हो गया वर्किंग फॉर द रेलवे ये सब क्या है ये सर्विस दे रहा ना कोई इंसान ठीक है गवर्नमेंट को तो ये क्या हो गया ये सर्विस सेक्टर हो गया और यही क्या है ये ये टर्सरी टर्सरी ऑक्यूपेशन ठीक है पीपल वर्किंग इन दिस फील्ड वर्क टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग सर्विस टू पीपल ठीक है यानी कि जो इस फील्ड में वर्क करते हैं लोग वो क्या करते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को इन ऑर्डर टू मेक देयर लाइफ सिंपल उनकी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए ठीक है इन विलेज पीपल आर मेनली इंगेज इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन एटी परसेंट अब आपको मालूम है गांव में लोग क्या करते हैं खेती किसानी करते हैं ठीक है थीके? तो ये किस में आता है मैंने बताया था फार्मिंग किस में आता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन में तो जो विलेजेस हैं पीपल आर मेनली इंगेज इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन ठीक है एटी परसेंट ऑफ द फार्मर्स ओन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड एंड ऑनली ट्वेंटी परसेंट ऑफ फार्मर्स ओन बिगर लैंड दैट प्रोड्यूस फूड फॉर दैम as well to be sold in the nearby market 40% of the ऑफ families are agricultural laborers ab kya अब क्या है देखो जो hain unke paas हैं उनके पास छोटे खेत हैं ठीक छोटे प्लॉट हैं और जो ट्वेंटी परसेंट फार्मर्स हैं उनके पास ही केवल इंडिया में बड़े प्लॉट्स हैं और वो ना केवल अपने लिए खाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं अनाज बल्कि इतना प्रोड्यूस करते हैं कि वो मार्केट में उसे बेच भी सके किसी अनाज को ठीक है तो जो फोर्टी परसेंट ऑफ रूरल फैमिलीज है मतलब कि जो गांव में निवास करते हैं लोग उसमें से भी थोटी परसेंट वो क्या होते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स मतलब जो लेबर जो खेतों में काम करते हैं ठीक है द फार्मर्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु लिव इन दिलेज आर फार्मर्स ठीक है जो लोग गांव में निवास करते हैं गांव में रहते हैं उसमें से अधिकतर कौन है फार्मर हैं किसान हैं बट ऑल ऑफ बट ऑल द फार्मर्स आर नॉट ऑफ द सेम ग्रेड ऑफ स्टेटस यानी कि जो फार्मर्स हैं उन सभी को एक ही स्टेटस में नहीं रखा जाता फार्मर्स बिलोंग टू थ्री कैटेगरीज जो फार्मर्स होते हैं वो थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं लैंडलेस लेबरर्स जिनके पास लैंड नहीं है, वो लेबर द मिडिल फार्मर्स जिनके पास छोटे लैंड हैं वो मिडिल फार्मर्स बोलते हैं एंड द बिग फार्मर्स जिनके पास बड़े लैंड हैं तो अभी मैंने बताया था क्या ट्वेंटी परसेंट ही ऐसे इंडिया में जिनके पास बड़े लैंड हैं वही क्या है वो बिग फार्मर्स हैं जो एटी परसेंट हैं वो क्या है मिडिल फार्मर्स हैं ठीक है यानी बीच के उसमें लैंडलेस लेस लेबरस भी इंक्लूड हैं ठीक द लैंडलेस लेबरस लैंडलेस लेबरर्स और मजदूर वर्क ड्यूरिंग द प्लांटिंग एंड द हार्वेस्ट सीजन अब आपको मालूम है लैंडलेस लेबरर्स को क्या बोलते हैं मजदूर भी बोलते हैं और ये कब वर्क करते हैं हार्वेस्ट सीजन में जब हार्वेस्ट का सीज़न होता है ठीक है दे वर्क इन द फील्ड ऑफ द रिच एंड बिग फार्मर्स और ये वर्क करते हैं कहाँ जो रिच होते हैं अमीर होते हैं और जो बड़े फार्मर्स हैं उनके यहाँ पे ठीक है फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी बहुत कम पैसों पर दे कंटिन्यू टू वर्क फ्रॉम एट थर्टी इन द मॉर्निंग टिल फोर थर्टी इन द इवनिंग वो अपना वर्क स्टार्ट करते हैं एट थर्टी पे मॉर्निंग में और फोर थर्टी तक वो इवनिंग तक काम करते हैं ऑल कैजअल लेबलर्स जितने भी कैजुअल रेबलर्स हैं वो दे ऑल्सो वर्क एज अ डेली कैजअल रेबलर्स स्प्रेइंग पेस्टिसाइड इन द फील्ड वो पेस्टिसाइड भी डालते हैं फील्ड में मतलब कीटनाशक ठीक है जो कीड़ों को मारता है उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं जो दवाई आती है ना वो when they do not दे डू नॉट the विलेज अगर वो विलेज में काम नहीं करते हैं दे डू ऑट जॉब सच एज लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर अगर वो विलेज में काम नहीं करते खेतों में काम नहीं कर रहे सपोज तो वो क्या करेंगे वो लोडिंग करेंगे सैंड की ठीक है जो कंधे पे रख के करते हैं ना वो ठीक है रिवर्स से और वर्क एज कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रूप में काम करेंगे मजदूर इन स्पाइट ऑफ ऑल द हार्डवर्क दे आर ऑलवेज इन डेप्थ मतलब इतना मेहनत करने के पास भी मेहनत करने के बाद भी उनके पास वो डेप्थ में होते हैं मतलब कि ऋण ही होते हैं किसी के ठीक वॉट एवर दे अन इज नॉट इनफ टू लुक आफ्टर देअर फैमिलीज जो भी वो अर्न करते हैं मतलब कमाते हैं वो उनकी फैमिलीज के लिए पूरा नहीं होता सो दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर इसलिए वो क्या करते हैं वो मनी लेंडर जो होता है विलेज का ठीक मुंशी जिसको बोलते हैं हिंदी में उससे क्या कहते हैं पैसे लेते हैं उधार हु चार्जेस वेरी हाई इंटरेस्ट रेट जो कि बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट लेता है मतलब इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज जो है वो बहुत ज़्यादा लेता है टू पे बैक दिस मनी और ब्याज क्या होता है ब्याज का मतलब होता है कि जैसे आपने हंड्रेड रुपीज लिया ठीक है हंड्रेड रुपीज में टेन रुपीज भी आज टेन रुपीज इंटरेस्ट लग गया तो इंटरेस्ट लगा मतलब अब आपको कितने चुकाने हैं वन हंड्रेड टेन रुपीज ठीक है यानी लिए आपने हंड्रेड थे लेकिन अब आपको देने कितने वन हंड्रेड टेन तो टेन रुपीज क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया ठीक है दे पे बैक दिस मनी दे टू पे बैक दिस मनी दे हैव टू गिवट एवर दे अन अब देखो इस जो ये मनी है अब बहुत ज्यादा वो टैक्स ले रहे हैं मतलब बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट ले रहे हैं ठीक है मजदूरों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो वो क्या करेंगे उ, इस मनी को वापस करने के लिए वो अपना सब कुछ जितना भी वो कमाते हैं वो दे देते हैं एंड अगेन बोरो फिर से उधार लेते हैं मनी फ्रॉम द मनी लैंडर ठीक है दिस इज़ कॉल्ड द दिक्सीज साइकिल ऑफ डेथ और इसलिए इसको क्या कहते हैं ये जो पूरा मतलब वो बार बार उधार ले रहे हैं फिर अपना जितना भी कमा रहा है फिर वो उसको चुकाने में लगा दे रहे हैं फिर वो उधार ले रहे हैं इसको क्या कहते हैं विकसिय साइकिल ऑफ डेफ ठीक दिस रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी ऑफ रूरल लाइवलीहुड इन इंडिया और ये बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है किसमें जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन पर इंडिया में दे आर अनेबल टू सेव मनी फॉर इमरजेंसीज और उनके पास मनी नहीं होता है सेव करने के लिए वो अनेबल होते हैं इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी इन द सेंस जैसे किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और फिर पैसे चाहिए तो फिर कहाँ से आएंगे फिर उनके पास पैसे नहीं है दे हैव लिटिल रिसोर्सिस टू एजुकेट देयर चिल्ड्रंस उनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेज होते हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एंड फाइंड इट हार्ड टू मेक एंड स्मीट मैनी ऑफ द मेल विलेज आर फोर्स टू लीव देयर हाउसेज टू फाइंड वर्क इन टाउन्स और सिटीज और जो बहुत सारे मेल विलेजर्स होते हैं मतलब जो मेल हैं जो पुरुष हैं ठीक है विलेज में वो उनको फोर्स किया जाता है उनके घर से कि वो जाएं और शहरों में कमाएं ठीक है शहर में जाके कमाएं या फिर सिटी में जाके कमाएं और मिडिल फार्मर्स क्या होते हैं द स्मॉल लैंड ओनर्स इन अ विलेज मैंने बताया था स्मॉल लैंड ओनर्स नीड्स फर्टिलाइजर्स सीड्स एक्सेट्रा फॉर देयर फील्ड एंड देर दे कल्टिवेट देयर लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली और फ्रेंड्स अब देखो ये अपने ज़मीन पे खेती करते हैं कल्टीवेशन करते हैं किसकी हेल्प से फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्प से क्योंकि ये छोटे किसान हैं तो ये ज़्यादा मजदूरों को नहीं रख सकते क्योंकि मजदूरों को भी लेबरर्स को भी पैसे देने होंगे ठीक है इन दे हेल्प देम वैन एवर दे नीडेड दिस इज़ डन बाय म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एमंग द विज अब देखो ये फैमिली और फ्रेंड्स की फैमिली तो ठीक है फ्रेंड्स की मदद ले रहे हैं मतलब फ्रेंड्स के बीच में लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है विलेज में ठीक है बट समाइम्स दे बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स फ्राम द ट्रेडर ऑन लोन लेकिन कुछ कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे किसान हैं जो मिडिल फार्मर्स हैं वो सीड्स हैं मतलब बीज जो हैं और फर्टिलाइजर्स हैं जो कीटनाशक है जो कीड़ों को मारती है दवाई उसको किससे लेते हैं ट्रेडर से लेते हैं लोन पर इन रिटर्न दे हैव टू सेल अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस टू देम और वापस कैसे करते हैं वापस पैसे कैसे करते हैं कि वो एक पार्ट दे, दे देते हैं अपने प्रोडक्शन का किनको ट्रेडर्स को एट अ लोअर रेट कम दाम पे ठीक है रेस्ट दे कीप फॉर देयर ओन कंजप्शन और जो बचता है वो अपने खाने के लिए रख लेते हैं समटाइम्स दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर कई बार वो मनी लैंडर से भी पैसे लेते हैं टू बाय बेटर इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स और फॉर सम मेजर एक्सपेंसेस लाइक मैरियाज मतलब ये क्या है ये इक्विपमेंट है ठीक है किसके कल्टीवेशन के जैसे ट्रैक्टर हो गया ठीक है ये सब चीज़ें तो इन सब चीजों को खरीदने के लिए वो कई बार मनी लैंडर से पैसे उधार लेते हैं ठीक है इन द नॉन एग्रीकल्चरल सीजन मिडिल फार्मर्स टू अदर काइंड्स ऑफ वर्क टू सप्लीमेंट देयर इनकम्स तो जो नॉन एग्रीकल्चरल सीजन होता है उसमें क्या करते हैं दूसरे काम करते हैं वो ठीक है अब पैसे कमाने के लिए दिस इज नरेशन ऑफ टू थर्ड ऑफ द इंडियाज मार्जिनल फार्मर्स और ये क्या है ये एक ओवरव्यू है किसका टू थर्ड ऑफ द इंडियन मार्जिनल फार्मर्स का एंड लैंडलेस लेबर्स का हु हैव टू बोरो मनी फ्रॉम ट्रेडर्स महाजन्स और मनी लैंडर्स जो कि पैसे उधार लेते हैं ट्रेडर्स से या फिर महाजन से या फिर मनी लैंडर से एट हाफ्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे ठीक है बहुत ज़्यादा ब्याज पे इफ द क्रॉप क्रॉप्स फेल ड्यू टू लैक ऑफ़ रेनफॉल और फ्लूट और एनी अदर सीजन दीज फार्मर आर बैडली हिट अब क्या होगा अब जैसे पानी नहीं गिरा ठीक है मतलब लैक ऑफ रेनफॉल ठीक है पानी नहीं गिरा बरसात नहीं हुई या फिर बाढ़ आ गई ठीक है तो इन सब चीज़ों से उनकी उनका जो फसल है वो ख़राब हो गया तो अब वो बैडली हिट होंगे ना मतलब अब वो पैसे कहाँ से लाएँगे चुकाने के लिए ठीक है मतलब अब क्या करना पड़ेगा जो मिडिल फार्मर्स हैं उनको थोड़ा बहुत जमीन अपनी बेचनी पड़ेगी ठीक है जो लेबरर्स होंगे उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाएगा ठीक बिग फार्मर्स बिग फार्मर्स ओन ट्वेंटी हेक्टेयर ऑफ लैंड ड्यूरिंग द प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन दे एम्प्लॉय अदर लैंडलेस फार्मर्स एंड पे देम इन कैश और काइंड फॉर कल्टिवेशन एंड हार्वेस्टिंग अब देखो जो बिग फार्मर्स होते हैं उनके पास कितना लैंड होता है ट्वेंटी हेक्टेयर्स ठीक है या फिर इससे ज़्यादा ठीक जो प्लांटिंग सीजन होता है या फिर हार्वेस्टिंग सीजन होता है मतलब खेती का सीजन ठीक तो उस समय पे क्या करते हैं ये एम्प्लॉय करते हैं लैंडलेस फार्मर्स को जिनके पास यानि मजदूरों को ठीक है और इनको कैश पे करते हैं खेती के लिए ठीक दे यूज़ मॉडर्न एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट एज द ट्रैक्टर्स हार्वेस्टर्स थ्रेसर्स एक्सेट्रा और ये क्या करते हैं ये ट्रैक्टर हार्वेस्टर्स थ्रेसर्स इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं ठीक खेती में दे ऑल्सो ओन ट्रैक्टर मतलब कि जिससे कि क्या होता है जाने कि खेती में यूज़ होता है ट्रैक्टर ठीक है अब जैसे थ्रेसर है थ्रेसर से क्या करते हैं कि गेहूं अगर आपने देखा होगा तो उसका ऊपर का जो पार्ट होता है ना उसको अलग करते हैं थ्रेसर से हाथ से करने में बहुत दिक्कत होती है थ्रेसर से ईजिली हो जाता है दे ऑल्सो ओन मैनी काउस एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर इनकम कम्स फ्रॉम द मिल्क दैट दे सेल टू द कोऑपरेटिव अब ये क्या करते हैं इनके पास बहुत सारी गायें होती हैं तो इनका इनकम एक इनकम का एक जरिया और क्या है कि ये मिल्क को सेल कर देते हैं कोऑपरेटिवस में ठीक सम ऑफ देम ऑल्सो ओन शॉप्स एट द मार्केट ऑफ द विलेज और कुछ मार्केट में शॉप भी रहती है इनकी ठीक है विलेज में थर्स दे आर वेल्दी एंड लाइव इन लाइवा लग्जूरियस लाइफ यानी कि ये बहुत ज़्यादा धनी होते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ होती है अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड पीपल इन रूरल एरियाज आर इंगेज इन अ वेराइटी ऑफ नॉन फार्म वर्क ठीक मतलब नॉन फार्म वर्क में भी इंगेज हो सकते हैं डरली ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ वर्किंग पीपल इन रूरल एरिया डिपेंड अपॉन नॉन फार्म नॉन फार्म एक्टिविटीज़ सच एज मेकिंग बास्केट्स यूटेंसिल्स पॉट्स ब्रिक्स ब्लॉक कार्ट्स एक्सेट्रा अब देखो नॉन फार्म मतलब कि जो खेतों में जो काम ना हो वो ठीक है तो जो ट्वेंटी फाइव परसेंट पीपल हैं वर्किंग पीपल है में वो इस पर डिपेंड होते हैं ठीक है जैसे कि क्या बनाना बास्केट बनाना ठीक है यूटेंसिल्स बनाना बर्तन बनाना पॉट्स बनाना ब्रिक्स बनाना ठीक है ब्रिक्स यानी कि ईट बनाना ठीक है देयर आर ऑल्सो ब्लैक स्मिथ वाशरमैन वेवर्स टेलर्स बार्बर्स साइकिल रिपेयर मैकेनिक टीचर्स डॉक्टर्स नर्सेस एंड सो ऑन ठीक है ये कुछ ऑक्यूप पेसेंट है ठीक है जैसे वॉशरमैन हो गया वेवर्स हो गया टेलर्स हो गया बार्बर हो गया साइकिल रिपेयर मैकेनिक हो गया टीचर्स हो गया डॉक्टर हो गया अब ये सब थोड़ी ना खेतों में हो सकता है ये सब काम तो ये सब काम में भी इन्वॉल्व होते हैं रूरल एरियाज के लोग ठीक है नर्सेस हो गया एंड सो ऑन सम पीपल वर्क एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कुछ लोग क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह काम करते हैं वाई सम अदर आर इंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉप कीपिंग कुछ लोग क्या करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में इंगेज होते हैं या फिर कुछ लोग शॉप कीपिंग करते हैं ठीक लाइव इन कोस्टल एरियाज अब मैंने लाइफ इन कोस्टल एरियाज अब मैंने एक बात बताई थी आपको कोस्टल एरिया यानी कि जो एरिया समुद्र से जुड़ा हुआ हो ठीक है वो क्या होता है कोस्टल एरिया अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो कोस्टल एरिया कौन सा है नीचे वाला पार्ट यानी जो साउथ इंडिया है वो वाला पार्ट अब उसमें कौन कौन से हैं राज उसमें हो गया केरल हो गया जैसे कर्नाटक हो गया ठीक है अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो हो गया महाराष्ट्र ठीक गुजरात ठीक ये सब क्या है ये सब कोस्टल एरियाज़ हैं जो समुद्र से जुड़े हुए हैं ठीक इन कोस्टल एरियाज फिशिंग इन द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड कोस्टल एरिया में क्या होता है फिशिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं फिशिंग यानी कि मछली पालन ठीक द फिशर मैन गो फॉर फिशिंग अर्ली इन द मॉर्निंग जो फिशर मैन होता है वो बहुत जल्दी उठ के फिशिंग के लिए चला जाता है मतलब कि मछली को पकड़ने के लिए ठीक है एंड कम बैक बाय इवनिंग और आता है शाम को दे कीप असाइड सम फिश फॉर द फैमिली कुछ फिश को वो फैमिली के लिए रख लेता है एंड ऑक्स द रेक्ट और जो बची हुई है उनको बेच देता है दे की वन फोर्थ ऑफ द ऑक्सन अनी फॉर इक्विपमेंट्स लाइक लाइक बोर्स नेट्स एक्सेट्रा और जितना भी पैसा वो कमाता है उसमें से वन फोर्थ वो बोर्ड्स में नेट्स में इन सब में खर्च करता है एंड रिमेनिंग मनी इज यूज बाय देम फॉर देयर सर्वाइवल और जो बचा हुआ पैसा होता है उसको अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करता है ठीक वाइल्ड मैन डू द कैचिंग वुमेन टेक फिस इन बास्केट टू नियर बाई विलेजेस और टाउन एंड सिटीज़ टू गेट अ बेटर प्राइस जो मैन होता है मतलब कि जो पुरुष होते हैं वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और जो वुमेन होती हैं ठीक वो क्या करती हैं महिलाएं होती हैं वो आस पास के विलेज में जाती हैं या फिर टाउन में जाती हैं या है, फिर सिटी में जाती हैं ताकि उनको अच्छे पैसे मिल सकें एवरी ईयर ड्यूरिंग द मानसून सीजन दीज फिशरमैन डू नॉट गो टू द रिवर टू कैच फिस तो जो फिशरमैन होते हैं रेनी सीजन में ठीक है ये नहीं जा पाते मानसून सीजन में बिकॉज दिस इज द सीजन वेन द फिश ब्रीड ड्यूरिंग दिस मंथ दे सरवाइव बाय बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर्स और इस समय पे क्या करते हैं वो बोरोइंग मतलब पैसे उधार लेते हैं ट्रेडर्स से दिस पुट डैम ऑल्सो इन टू अ डैफ ट्रैप और इस तरह से ये भी किस में चले जाते हैं मतलब इनके ऊपर कर्ज हो जाता है लाइफ नियर द सी कोस्ट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल एंड चैलेंजिंग जो सी कोस्ट के पास में रहते हैं जो समुद्र के पास में रहते हैं लोग ठीक है उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होती है लाइफ थाउजेंड्स ऑफ़ पीपल लिव देयर विलेजस इन सर्च ऑफ जॉब एंड माइग्रेट टू द नियर बाई टाउन्स एंड सिटीज सम इवन माइग्रेट टू द अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ़ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे एड टू दूल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ दोज कंट्रीज एंड आर वैल्यूएबल फॉरन करेंसी अब कुछ लोग क्या करते हैं कुछ लोग आस पास के जगहों में जाते हैं सिटी में जाते हैं बड़ी सिटी में ताकि वो अच्छे पैसे कमा सकें कुछ लोग कंट्री से बाहर भी जाते हैं, जैसे भारत के बाहर भी कई लोग रहते हैं ठीक है ताकि उनको अच्छी जॉब मिल सके और वो अच्छे पैसे कमा सकें अनवेलबल फॉरेन करेंसी और उनके पास फॉरेन करेंसी भी आती है इसके थ्रू दिस अर्निंग नॉट ओनली एड्स टू द देयर इनकम बट आल्सो ट्रांसफॉर्म देयर लाइफस्टाइल और ये जो अर्निंग होती है ये जो कमाई होती है उनकी वो केवल उनका इनकम से ही उसका फर्क नहीं है उसकी ज, उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी परिवर्तन आता है ठीक है सो आई विल स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ इन द नेक्स्ट क्लास दिस इज द एंड ऑफ द क्लास थैंक यू